व्यवसाय है, इंदौर में मेरा निवास है। पिता का नाम बाबूलाल जी पाल है, माता का नाम पुष्पा भाई पाल है। इंदौर सैलरी मेरी 20 से 25 हज़ार रुपये है। अपने खुद की दुकान है, मतलब घर की। थैंक यू भाई साहब। जो भी युवक युवती अपना परिचय देना चाहते हैं वो स्टेज पर आ सकते हैं। प्रिय दर्शनी पटौदा, पिता रमेश पटौदा, खरगोन रहवासी, शैक्षणिक योग्यता एमकॉम बीए, जन्म दिनांक 13/11/1992। इनका व्यवसाय उच्चतर शासकीय स्कूल में लेबोरेटरी का जॉब है। इनका मासिक आय 42,000 प्रति माह। राम पटौदा पिता रमेश पटौदा, खरगोन रहवासी, बीटेक कंप्यूटर साइंस इनकी शैक्षणिक योग्यता है। या इनका व्यवसाय कंसल्टेंट है ये इंफोसिस में। इनकी मासिक आय 1.5 लाख रुपए है। इसे दिखा दूंगा आते हुए को, मैं भी घुमा दूं कैमरा। हेलो, जय श्री कृष्ण। अंशुल सुंगरा मेरे मामा श्री वीरेंद्र सुंगरा का बेटा है। उसने बीटेक एमएस यूएसए से किया है और फिलहाल अभी यूएसए में जॉब कर रहा है। उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। लड़की इंदौर के निवासी हैं मेरे मामा। और 5 जुलाई बाणू का जन्म है। तो जो भी इच्छुक हो वो कांटेक्ट करें श्री वीरेंद्र सुंगरा, मेरे मामा हैं, उनके बेटे के लिए। थैंक यू। अंकित पाल पिता लक्ष्मी नारायण जी पाल। अंकित पाल पिता लक्ष्मी नारायण जी पाल, महू रहवासी, शैक्षणिक योग्यता बी, सिविल सर्विसेज में इनका जॉब है। इनकी जन्म दिनांक 8/6/1994। पूर्वा पाल पिता देवी सिंह जी पाल, खरगोन रहवासी, शैक्षणिक योग्यता 12, जन्म दिनांक 10/11/1999। आयुषी पाल पिता इंद्रपाल, बाण गंगा इंदौर रहवासी, शैक्षणिक योग्यता 10, जन्म दिनांक 15/12/2000, जन्म दिनांक 15/12/2000। इनकी मासिक आय 80,000। इनका खुद का ब्यूटी पार्लर है। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम रितु पाल है, मेरे पापा का नाम कमल पाल है और मम्मी का नाम वर्षा पाल है। मैं बलवाड़ी से हूँ और मेरा बीकॉम चल रहा है, उसके साथ बैंक की पीओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं बलवाड़ी से हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शिवानी पुरा है, मेरे पापा का नाम संजय पुरा है और मेरी मम्मी का नाम छाया पुरा है। मैं खरगोन से हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 6/8/1999 है और मैं बीए रनिंग चल रहा है मेरा। मैंने ग्रेजुएशन बीएससी सीएसए किया है और मास्टर एमएससी मैथ्स से किया है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम शिवानी कुकलोरिया है। मेरे पिता का नाम शिवराम कुकलोरिया है। मेरी माता का नाम किरण कुकलोरिया है। मैं रहवासी खरगोन से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम कंप्यूटर है। थैंक यू। मेरा नाम शुभम वर्मा है, मैं IDFC बैंक में हूँ, प्रॉपर गौतमपुरा से हूँ। मैं मांगलिक हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/12/1994। हाँ, बैंक में जॉब करता हूँ, IDFC बैंक, और मांगलिक हूँ मैं। मासिक आय मेरी 35,000 रुपये पर मंथ है, 35,000। थैंक यू।
मेरा नाम शालिनी पाल है, मेरे पिता का नाम अमर सिंह पाल है, मेरी मम्मी का नाम सुनीता पाल है, मैं खरकोन से हूँ और मैंने आईटीआई किया है सर्वेयर से। नेहा पाल पिता रविशंकर जी पाल, नेहा पाल पिता रविशंकर जी पाल खंडवा रहवासी। इनकी शैक्षणिक योग्यता बीकॉम पीजीडीसीए। इनके पिताजी रेलवे में हैं और मासिक आय 1,00,000 रुपए है। नेहा पाल पिता श्री हरिप्रसाद जी पाल, नेहा पाल पिता श्री हरिप्रसाद जी पाल खंडवा रहवासी। शैक्षणिक योग्यता एमकॉम। पूजा पाल पिता सुखदेव जी पाल, पूजा पाल पिता सुखदेव जी पाल खंडवा रहवासी। शैक्षणिक योग्यता एमकॉम बीए। टीचर है ये और इनकी मासिक आय 5,000 रुपए। दिस इज सावन पाल। माय फादर नेम इज गोविंद पाल। माय मदर नेम इज संगीता पाल। आई एम द ऑनर ऑफ इंदौर इंटरनेशनल स्कूल बलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बड़वानी एंड द ऑनर ऑफ शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक। एंड माय मंथली इनकम इज एप्रोक्सीमेटली 1,00,000 to 2,00,000 पर मंथ। थैंक यू। हेलो, थैंक यू बेटा। इतने बच्चों का नाम लिया जा रहा है, अभी तक फिर भी कोई नहीं आ रहा है, क्या बात है बेटा? जल्दी जल्दी आप आ जाइए, तो आपका परिचय, आपके परिवार का परिचय, आपकी क्वालिफिकेशन, इतने लोगों में एक साथ देना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। और आप लोग आ नहीं रहे हो, ये बहुत गलत बात है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी, जिंदगी में लड़ने वालों को कदमों में जहान मिलता है, लड़ने वालों को कदमों में जहान मिलता है। इसलिए मेरे बच्चों से मेरा निवेदन है कि जितने जल्दी जल्दी नाम बोले जा रहे हैं वो आप लोग आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सभी सुजाति बंधुओं से निवेदन है, जो भी बच्चे और बच्चियां परिचय सम्मेलन में जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो सब यहाँ आए और फोटो के लिए यहाँ कम से कम फोटो हो जाएंगे। और ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इसकी व्यवस्था करिए लाइव की। ये सीधे 27 राज्यों में चल रहा है, तो इससे आप सभी का परिचय और दूसरी जगह भी आप लोगों के फोटो वगैरह जाएंगे, आपका बायोडाटा जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है सब ऊपर आए और अपना परिचय दें। हेलो, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम दिव्या पाल है, मैं 22 साल की हूँ और मैं बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा विनोद कुमार पाल जो थाना मलारगंज में एमपी पुलिस में है और हम इंदौर में ही रहते हैं। धन्यवाद आप सभी को। हेलो, श्री पाल छत्री धनगर समाज शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास द्वारा आयोजित इस महाकुंभ में पधारे सभी स्वजाति बंधुओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यहाँ पर जो भी पधारे हैं उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आप सभी जो भी भोजनशाला ये तो अपना लेके
हाँ वो क्या केबल छोटी है वो क्या HDMI वो लाए थे ना वो छोटी रह गई हो छत्तीसगढ़ समाज शैक्षणिक पारमार्थिक न्यास द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन विगत 15-20 वर्षों से चला आ रहा है। बीच में 2 साल ब्रेक आया था क्योंकि वो कोरोना काल के कारण 2 साल बीच में ब्रेक हुआ था। इस साल फिर से वापस शुरू किया है। हर साल कम से कम 700-800 हज़ार प्रविष्टियाँ आती हैं। अभी भी 1000 के आसपास आएगी। अभी 500-600 आई हैं। MP मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, UP, दिल्ली से भी बहुत लोग आए हैं। कर्नाटक के साथ बहुत सभी दूर से करीब नाम तो अपने यहाँ का सब दूर है ही जाता है। अपने यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं वो सफल भी होते हैं। सब उसमें उनके मतलब सम्मेलन में उन लोगों के संबंध भी आपस में हो जाते हैं, इसलिए बराबर हद को सभी दूर जैसे खबर मिलती सब आ जाते हैं। मंच से अभी कितने जो है संबंध अभी यहाँ पर तय हो चुके हैं? अभी कुछ सम्मेलन जो जोड़े हैं उन लोगों की बात चल रही है आपस में। अभी जैसे वो होगा उसे बता देंगे, अभी हुआ नहीं पूरा। अपना परिचय वैसे भी 5-6 जोड़ों का तो कम से कम करीब हो चुका है। अपना परिचय दे ओम प्रकाश पाल, अध्यक्ष पाल समाज। मैं जगदीश पाल, पाल समाज अध्यक्ष मूसाखेड़ी। हम समाज के लिए ऐसे जो कार्यक्रम हैं इनको होना अनिवार्य है क्योंकि इससे बहुत जागरूकता दूर दूर तक होती है। लोग इससे जुड़ते हैं और एक दूसरे से संबंध जुड़ते हैं। इसमें मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सभी समाजवासियों को कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इसका लाभ लें। समाज जो पाल समाज है जो इसको लेकर किसी तरह का जो युवतियाँ होती है लड़कियाँ होती है उसको लेकर किसी तरह का जो विवाह या शादी के समय कुछ तरह का नया करने जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो रीति रिवाज के जो जैसा है हमारे जो रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से हो जाता है। पहले थोड़ा बहुत होता था लेकिन अब नहीं है। अब सब शिक्षित हो गए हैं, एक दूसरे को सब समझ के और फिर करते हैं। आज यहाँ पर कितने जो है प्रविष्टियाँ आई थी और कितने लोगों का जो है यहाँ पर अभी एक संबंध तय हुआ है? जैसा है, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि करीबन 500-600 एक युवक युवती आई हैं और 10 के समथिंग मान लीजिए कि जोड़े थे। कितना समय पुराने से जो कितना लंबे समय से जो है कम है ये युवक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं? ये तो हमको लगता है विगत 20 काफी पुराना है, मतलब 20 साल हो गए, वर्षों से चलता हुआ। दो वर्ष की गैप हुई। जगदीश पाल, पाल समाज अध्यक्ष मूसाखेड़ी इंदौर। लाल जी पाल, गौरव पाल, पिता बाबूलाल जी पाल, रहवासी भागीरथपुरा। क्या योजनाएं हैं आपकी? सबसे पहले इंदौर से धनकर पाल समाज के द्वारा आज युवा व्यक्तियों परिचय सम्मेलन रखा गया। सबसे पहले उन लोगों में बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आज की तारीख में समाज के अंदर हम लोग बहुत दूर दूर भटकना पड़ता है क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं, उन समाज के लोगों से मिलना पड़ता है। परंतु समाज के द्वारा हमारे सुनील जी पाल अध्यक्ष और सभी अध्यक्ष पूरे देश के लोगों को, समाज के लोगों को यहाँ बुलाया जिससे हमारे बच्चे बच्चियाँ जितने भी हैं वो एक जगह मिलकर जो अपना शादी परिचय दोनों बंधन संबंध बनते हैं उसके बाद सामूहिक सम्मेलन करते हैं। ऐसे समाज पाल समाज द्वारा लगातार कार्यक्रम किया जाता है। हमारे इंदौर में पाल समाज की बहुत बड़ी धर्मशाला है और समाज पूरा परिचय सम्मेलन हो या सामूहिक सम्मेलन हो या दीपावली मिलन समारोह, हर समाज का कार्यक्रम करता है। मैं अपनी ओर से खूब खूब शुभकामना मेरी ओर से। आज के इस दौर में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बने क्योंकि समाज ऐसी चीज़ है, समाज के माध्यम से आपकी ताकत बनती है। आज भले ब्राह्मण समाज हो या ठाकुर समाज हो या पाल समाज हो या मुस्लिम समाज हो या सिख समाज हो, हर समाज में जुड़ना चाहिए क्योंकि आज का ज़माना ऐसा आ गया, कंप्यूटर का ज़माना आ गया कि बच्चे जो भी हैं वो कंप्यूटर में बिजी रहते हैं, पढ़ाई में बिजी रहते हैं या TV में बिजी रहते हैं। समाज के अंदर आना जरूरी है। समाज में आएंगे तो मालूम पड़ता है कि समाज में हमारे इतने बुजुर्ग लोग इन लोग तक काम कर रखे हैं, संगठित काम करते हैं। परंतु आज की तारीख में समाज में काम करना
हमारा जितने भी अध्यक्ष खड़े हैं, ये काली कोठरी से कम नहीं था। मैं भी ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ, जानते हैं कितनी बुराई भलाई मिलती है, परंतु हम लोग सब मिलकर काम करते रहते हैं। समाज का काम करना जरूरी है और समाज में हमारे जितने युवा ज़्यादा ज़्यादा आए और ज़्यादा महिलाएँ आएँ। सर एक सवाल और है, अभी कोरोना की शुरुआत समझी जा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कोरोना की शुरुआत हो चुकी है, चीन चाइना में हो चुकी है, परंतु हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि राहुल जी अपनी यात्रा रोके, परंतु उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा इंदौर के अंदर जो देश छोड़ कर चले गए थे उनके स्वागत सत्कार के इंदौर में बहुत 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 बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि सबसे पहले भी जो कोरोना आया था वो प्लेन से आया था, तो अभी भी प्लेन से आने की उम्मीद है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी आए उनकी पहले जांच की जाए, क्वारंटाइन किया जाए, उसके बाद कार्यक्रम में उनको भाग दिया जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि इंदौर में देश की शुरुआत इंदौर से होए। धन्यवाद। और लोगों की सेवा की, मैं मंच के माध्यम से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे जिनसी मंदिर के लिए लड़ाई में जो मंदिर की जगह दिलाने के लिए वो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, ऐसे विधायक संजय शुक्ला का मैं आभार करता हूं। संजय जी शुक्ला का स्वागत करने आ रहे हैं सुनील पाल जी और विनोद पाल जी। तो आएगा भी नहीं बेटा, बड़ा हेड बताओ कितने, ये वाले निकाल दो, ये नहीं, ये सुपर गया, कितने का रूल से, हाँ काटो करो पूरा निकाल दो, ये भैया हमारे बीच विधानसभा एक के जुझारू और वरिष्ठ पार्षद विधायक, जिन्होंने कि इंदौर के हर मुद्दे को, चाहे वो कोरोना हो चाहे शहर की समस्या हो, बड़े ही पुरजोर तरीके से इंदौर से लेके भोपाल तक सरकार की ईंट से ईंट बजाने वाले सक्रिय विधायक श्री संजय शुक्ला जी का इंदौर क्षत्रिय धनगर पाल समाज हार्दिक स्वागत करता है। इस अवसर पर मैं
आज उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ संपूर्ण भारत देश से पधारे समाज जनों को दो शब्दों से संबोधित करें। इंदौर श्री पाल क्षत्रिय धनगर समाज के पूरे देश से पधारे सभी हमारे माता बहने बुजुर्ग या दोस्तों और बच्चे बच्चियों को मेरी शुभकामनाएं। इंदौर में आपका मैं स्वागत करता हूँ और इंदौर के सभी समाज के हमारे अध्यक्षों ने जो आज इंदौर में जो परिचय सम्मेलन रखा है उसके लिए आप सबको बधाई। समाज की ओर सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और समाज में जितने भी कार्यकर्ता और सब जुड़े सभी को बधाई। मेरे छोटे भाई विनोद पाल, सुनील भैया और समाज के सभी मतलब वरिष्ठजन, उन सबको मेरी शुभकामनाएं कि वो समाज के अंदर आप कार्यक्रम करते रहें, क्योंकि समाज में अपन कार्यक्रम करेंगे तो हमारी जितनी माताएं बहनें बुजुर्ग सब लोग आएंगे। एक जमाना था समाज के अंदर सिर्फ जेंट्स लोग आया करते थे, परंतु आप देखिए आज हर समाज के अंदर महिला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जेंट्स का है, क्योंकि सब महिला भी उतनी है और जेंट्स भी उतने हैं, परंतु आप समाज के अंदर महिलाएं आने लगी हैं। तो आज जो परीक्षा सम्मेलन में जितने युवा व्यक्तिगत जुड़े हुए मैं अपनी शुभकामना देना चाहता हूँ। आप ऐसे ही सामूहिक सम्मेलन करें जिससे समाज का भी खर्चा बचेगा, समाज के लोगों का खर्चा बचेगा, क्योंकि आज की तारीख के अंदर हमको समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करें जिससे समाज के अंदर हमारे जो परिवार में बच्चे हैं उस बच्चे आए और देखें समाज के अंदर कैसे काम किया जाता है, समाज में कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, क्योंकि समाज में नहीं आएंगे तो वो बाहर बाहर कैसे जाएंगे। आजकल बच्चे कंप्यूटर और इसके कंप्यूटर और मोबाइल के अलावा घर पर एक काम हो तो पढ़ाई में इतने बिजी रहते हैं तो उनको समाज नहीं मालूम रहता, उनको सिर्फ इतना ही मालूम रहता है कि हमारे माता पिता है, हमारे चाचा चाची हैं और दादा दादी है और नाना नानी मौसी हैं, पर समाज में जाएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा समाज के किसी तरीके से निभाने के प्रति है। तो ऐसे कार्यक्रम करते हैं, मेरे शुभकामनाएं। आप सामूहिक सम्मेलन में करें और आज जो जितने भी परिचय सम्मेलन हुए उन सबको मेरी शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी शादी हो तो मेरी शुभकामनाएं और समाज के अंदर आकर समाज का काम करते रहे, मेरी शुभकामनाएं। मुझे बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आपको 2023 आने वाला है उसकी शुभकामनाएं, आपका मंगलमय हो 2023, क्योंकि 2022 और 21 हमारा बेकार चला गया कोरोना काल के अंदर, अब फिर कोरोना काल आने वाला है तो मैं चाहता हूँ उसको दूरी बनाए जिससे हमारे समाज में जो क्षति हुई है वो बचे। समाज के कोरोना काल में यही सीख है कि सब आप दूरी बनाए और जरूरी हो तो घर से निकले, क्योंकि चाइना के अंदर, जापान के अंदर, अमेरिका के अंदर कोरोना फैल चुका है। तो हम चाहते हैं हमारे देश के अंदर इंदौर में नहीं फैले, क्योंकि आपने देखा होगा हजारों जाने चली गई थी, इलाज नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही हम इसको दूरी बनाएंगे तो ये कोरोना काल को फिर इस बार तीसरी जो चौथी लहर आ रही है उसको भी अपन लड़ सकते हैं। देखिए समाज की बात रही, झांसी के अंदर जो गोल मंदिर बना हुआ है उसकी लड़ाई हम लड़ते रहे, जब उस टाइम आया था इसको हटाया जाए, पर इंदौर नगर निगम पास गए थे और उनसे बोला था कि हम इसको आप साइड में जो बरसाव है वहाँ पे बनाई जाए, उसके बाद तोड़ी जाए। जब उसके बाद में आज तक कोई भी जवाब नहीं आया, हम चाहते लड़ाई लड़े आप हमारा साथ देंगे तो धर्मशाला साइड में बनेगी, नहीं तो वहीं पर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम तो बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय। धन्यवाद भाई साहब, आपने जो इतना कीमती समय समाज को दिया, और आपके बारे में मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी समाज के विस्थापन के लिए कुछ चर्चाएं चल रही है, हमारी धर्मशाला बीच रोड़ में है, उसके लिए संजय भैया लगातार इंदौर से लेके भोपाल तक लड़ाई लड़ रहे हैं और वो हमको एक शानदार जगह और उस पर धर्मशाला बनवा कर देने का उन्होंने वादा किया है। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। सदैव पाल समाज आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे बीच चौधरी समाज के अध्यक्ष आदरणीय भंवर चौधरी जी पधारे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वे 2 मिनट का संबोधन समाज के बीच करें। समाज बंधु, यहाँ के कार्य कारण के सभी अतिथिगण, आज जिस परिचय सम्मेलन के लिए मुझे आमंत्रित किया था मैं आप लोगों के बीच में काफी देर से आया हूँ। मेरे समाज में 2 जगह मुझे जाना था, सिंदोड़ा और जवाहर टेकरी के अंदर कुछ कार्यक्रम था मेरे समाज का। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपके कार्यक्रम से हम निखर शाखा के अंदर भी एक सामूहिक युवा करने जा रहे हैं। आपके बिल्कुल पड़ोस के गांव बुढ़ानिया के अंदर 26 जनवरी के दिन बसंत पंचमी है और मेरे पास 7 जोड़े हो गए हैं, आप लोग भी आमंत्रित हैं उसमें। सभी समाज बंधु, और जो आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हमारे भंवर सिंह चौधरी जी का स्वागत हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भाई रितेश पाल से आग्रह करूंगा कि वे माला पहनाकर चौधरी जी का स्वागत करें। हमारे समाज की एक ऐसी विभूति में हमारे पाल समाज के गौरव जो कि उनको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा चित्रकारी में सम्मानित किया है, ऐसी विभूति एलएन पाल हमारे बीच उपस्थित है। आज हम उनका सम्मानित करते हुए बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसी विभूति का सम्मान हमारे क्षेत्र के सक्रिय विधायक श्री संजय सिकुला जी द्वारा होने जा रहा है। आप सभी उनका ताली बजाकर सम्मान करें। वे बहुमुखी कलाकार है, चित्रकारी, मूर्तिकारी, डिजाइनर, झांकी कलाकार और लेखक भी है, जिन्होंने ज्ञानवापी पुस्तिका जीवन दर्पण में चित्रकला की बारीकी सुंदरता में एक तरफा नाम रहा है। वो अन्य शिष्यों को शिक्षा भी देते हैं। ऐसी विभूति हमारे बीच उपस्थित है। पाल छत्ती धनगर समाज उनका सम्मान करते हुए बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा। हमारे बीच प्रभु धनगर जी भी उपस्थित है, उनका सम्मान करते हैं। हमारे बीच रमेश पाल जी नागदा अध्यक्ष है, उनका सम्मान श्री ओम प्रकाश जी पाल करेंगे। इसको तो तीन चार पार्ट में बनाना पड़ेगा। हेलो, यहाँ पर जो भी युवक युवती उपस्थित हैं, कृपया कर वो स्टेज पर आए और अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो, मेरा नाम शिखर भाटिया है, सुदामा नगर इंदौर में रहता हूँ। तो बोले
मेरा एजुकेशन है बीकॉम ग्रेजुएशन। ठीक है, थैंक यू बेटा। मैं समाजजनों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। हमारे बीच रमेश भैया का स्वागत ओम प्रकाश जी द्वारा किया गया है। अब हमारे बीच मैं एक और हमारी समाज की एक विभूति आपके बीच उनके बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं। श्री कमल सिंह जी पाल, जो कि जो आप 28 देशों में लाइव प्रसारण चल रहा है वंदे मातरम चैनल के डायरेक्टर हैं, यह अपने चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण 3000 रुपए पर घंटा के हिसाब से करते हैं, परंतु समाज सेवा के एक भावना उनके मन में है, उसको लेकर उन्होंने आज जो लाइव प्रसारण चल रहा है वंदे मातरम चैनल से वो पूरी तरह समाज के लिए निःशुल्क किया। एक जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें और उनका सदैव समाज को सभी तरह से सहयोग प्राप्त होता है। आज मैं ओम प्रकाश पाल जी से आग्रह करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। समाज के सचिव श्री हरि वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। कमल सिंह जी का स्वागत श्री राजेंद्र पाल पापे दादा करेंगे। कमल सिंह जी पाल का स्वागत सुनील जी पाल भी करेंगे। राजेंद्र पाल पिता साहेब सिंह जी पाल इंदौर रहवासी, जन्म दिनांक 15/7/1983, प्राइवेट जॉब है इनका, मासिक आय 20,000। अमित पाल पिता पारसनाथ जी पाल इंदौर रहवासी, जन्म दिनांक 1/9/1995, प्राइवेट नौकरी करते हैं ये और इनकी मासिक आय 15,000 है। सुमित पाल पिता स्वर्गीय पुत्तीलाल जी पाल इंदौर रहवासी हैं, जन्म दिनांक 27/8/1990, यह ड्राइविंग करते हैं, इनकी मासिक आय 20,000 रुपए। हमारे बीच जितने भी युवक युवती हैं कृपया कर वो स्टेज पर आए और अपना इंट्रोडक्शन दें। साक्षी यादव पिता सेवक राम जी यादव खंडवा रहवासी, शैक्षणिक योग्यता बीएससी रनिंग, जन्म दिनांक 18/10/1995, यह टेलर है। नवीता धनगर पिता मन्नू राम जी धनगर हरदा रहवासी, शैक्षणिक योग्यता बीकॉम एमबीए, जन्म दिनांक 15/8/1999। सौरभ यादव पिता लीलाधर यादव पता सिमरोल, शैक्षणिक योग्यता बीएससी, जन्म दिनांक 1/11/1997, प्राइवेट नौकरी करते हैं, इनकी मासिक आय 15,000। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम शुभम हिरनवार है, मेरे पिताजी का नाम जगदीश हिरनवार है, माताजी का नाम अंजना हिरनवार है। मैं नालंदा परिसर केशरबाग रोड पर रहता हूँ, प्राइवेट जॉब है मेरी, सेल्स मैनेजर हूँ मैं, मेरी एज 28 है। थैंक यू।
Hey, hi all. My name is Shannon Verma. My mother name is Neelam Verma and my father name is Mr. Shailendra Verma. I have pursued B.Tech from HJSITS Indore. Then after that, I done my master from IIIT Hyderabad. Currently, I am working in Walmart Labs as a SG3 and my salary is like 27 lakh rupees and my mother is government teacher. Our family income is like around 50 lakh rupees. My hobbies are playing chess and carom, indoor games and all. I will pursue again in Hindi for all you to understand. So, my name is Shannon Verma. My mother's name is Neelam Verma. Government mein teacher hai. मैं वॉलमार्ट में SG3 एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. मैंने अपना बीटेक HJSIT इंदौर से एंड IIT हैदराबाद से मास्टर्स करा है. मेरी सैलरी है 27 लाख रुपए एंड मेरी फैमिली इनकम है अराउंड 35 लाख रुपए और यही है मेरा लाइक हॉबीज है प्लेइंग चेस कैरम एंड ऑल. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू बेटा. थैंक यू. Good afternoon, all of you. My name is Deepak Dhangar. I am belong for Chapra. My father name is Prem Singh Dhangar. My mother name is Manu Singh Dhangar. Manubhai Dhangar. My education level is 12th pass or BA running chal raha hai. Thank you so much. गुड आफ्टरनून टू ऑल. मेरा नाम साची यादव है. मैं निवासी इंदौर क्षेत्र के रहवासी हूँ. मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/12/2000 है. मेरी क्वालिफिकेशन MBA पास आउट हूँ मैं. मेरी माता का नाम प्रेमा यादव, पिता का नाम राजेश यादव है. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम शैलेश पाल है. मैं इंदौर का निवासी हूँ. मेरा क्वालिफिकेशन BCA है. मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ साइबर कैफे का. और मेरी एक सिस्टर है, हम उसके लिए भी ग्रूम फाइंड कर रहे हैं. उसका नाम मुस्कान पाल है, वो भी इंदौर से. थैंक यू. गुड आफ्टरनून. टुडे माय एजुकेशन, माय नेम शिखर भाटिया पाल. My education, graduation plus a mechanical ITI. My father's name Jagdish Bhatia Pal. I live in Sudama Nagar, Indore. यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा नमस्कार. मेरा नाम दीक्षा पाल है. मेरे पिताजी का नाम राजेश पाल है. मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय जगदीश पाल है. मैं इंदौर से ही हूँ. मेरा एड्रेस 13/1 रेसकोर्स रोड अपोजिट ऑफ सिल्वर स्टेट बिल्डिंग है. मैंने BCOM विथ टैक्सेशन से ग्रेजुएशन किया. आफ्टर मैंने LLB किया है. 3 साल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद मैं अब सिविल जज की तैयारी कर रही हूँ. थैंक यू एवरीवन. मुझे सभी वैसे तो जानते ही होंगे. मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए ही आई हूँ. मेरा नाम अश्विनी पाल, पिता गोपाल जी पाल. मेरा एजुकेशन की अगर बात किया जाए तो मेरा काफ़ी सारी डिग्रीज मैंने कर रखी है. मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. मैंने 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्पोर्ट्स में खेल रखी है. इंडिया को रिप्रेजेंट किया है. अभी फरवरी में खेलो इंडिया फिट इंडिया का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है. मतलब खेलो इंडिया मीन्स ओलंपिक लेवल का. उसमें मैं मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करूंगी एज अ कोच. मेरे खुद के 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करने वाले हैं. मैं मेरे गेम में मध्य प्रदेश टेक्निकल डायरेक्टर हूँ. साथ ही मैंने कराते में ब्लैक बेल्ट, टाइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट. मुआ था एक मार्शल आर्ट फॉर्म होता है, उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है. रशिया में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने थाईलैंड में खेली है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. रतलाम के रहने वाले हैं. इनकी जन्म दिनांक है 16/12/1994.
इन्होंने PGDCA किया हुआ है, रतलाम के रहने वाले हैं। विशाल पाल, राजकुमार पाल रतलाम के रहने वाले हैं, बैंक में जॉब करते हैं। 30,000 रुपये इनकी मासिक आय है। इनकी जन्म दिनांक है 16/2/1996। नीलांजना बानिया, नीलांजना बानिया पिता राजेश बानिया राजगढ़ के रहवासी हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता BCA MCA है। जन्म दिनांक 27/12/2022। क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग। आशीष पाल पिता सत्यनारायण जी पाल मोहन नगर के रहवासी हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता BE टेक्नोलॉजी है। जन्म दिनांक 9/7/1997। इनका व्यवसाय मार्केटिंग में है। मासिक आय 25,000। शिवानी पाल पिता अशोक जी पाल, इनका पता चोरल कॉलोनी इंदौर रहवासी। शैक्षणिक योग्यता BTech कंप्यूटर साइंस। जन्म दिनांक 25/8/2000। पवन पाल पिता पन्ना पाल, पवन पाल पिता पन्ना लाल जी पाल धार जिला से हैं ये। इनकी शैक्षणिक योग्यता ITI डिप्लोमा। जन्म दिनांक 22/8/1994। इनका व्यवसाय MPBE। इनकी मासिक आय 20,000 रुपये। हाँ जी, तीन बज गए। क्या कहूँ मैं तुमसे? हेलो, एक बार पुनः छोटा सा एक परिचय सम्मेलन में ब्रेक लेते हुए हमारे समाज की एक और विभूति जो कि ग्राम बोराली में निर्विरोध उप सरपंच चुने गए हैं, श्रीमती दीपमाला वाइफ ऑफ डॉक्टर राजेश पाल को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए। उनका स्वागत हमारे न्यास मंडल की संरक्षक का महोदय श्रीमती तेज कुमारी जी पाल और न्यासी श्रीमती शोभा जी पाल करेंगे। श्रीमती दीपमाला डॉक्टर राजेश पाल इंटरनल तो चालू नहीं है तुम्हारे? इंटरनल एक्सटर्नल प्लान थोड़ी चालू है। इंटरनल एक्सटर्नल माइक चालू है ना? एक्सटर्नल का? हाँ, इंटरनल माइक चालू है ना, वही तो बोल रहा हूँ। क्या दादू कैमरा तेरा लग रहा है? नेहा पाल, इंद्रजीत पाल, ब्रेक हुआ है, इंदुराज पाल, महांकाल कॉलोनी देवास। श्रेणी योग्यता 10वीं। जन्म दिनांक है 1/10/1998। दिव्यानी पाल, बाल मुकुंद पाल, हरिओम विहार एकता नगर उज्जैन। श्रेणी की योग्यता है 10वीं। जन्म दिनांक 24/7/1997। राजकुमार पाल, श्यामलाल पाल, चितावत इंदौर। श्रेणी की योग्यता 12वीं। जन्म दिनांक 30/10/2002। सोनम पाल, श्यामलाल पाल, चितावत इंदौर। श्रेणी योग्यता 10वीं। जन्म दिनांक 22/3/2000। हमारे बीच हमारे मूसाखेड़ी के अध्यक्ष श्री जगदीश पाल जी भी उपस्थित हैं और साथ ही
ये कौन सा चैनल? भाई हनुमान पाल जी भी उपस्थित है, मराठा में हमारे न्यास के ओर से उनका हार्दिक स्वागत है। मैं भाई संतोष पाल और दीपक पाल जी से आग्रह करता हूं कि वे उनका स्वागत करें। रूबी पाल, प्रेम पाल, ग्राम बदावठा खुरई, श्रेणी योग्यता 12वीं और ये 21 साल की हैं। शिवानी यादव, दिनेश यादव, पान की दुकान खेती, श्रेणी योग्यता माइक्रोबायोलॉजी AMC। इनकी जन्म दिनांक है दीक्षा यादव, दिनेश यादव सिमरोल, श्रेणी की योग्यता बी फार्मा। इनकी जन्म दिनांक है 14/10/1998। अदिति पाल नंदलाल, श्री पाल इंदौर, श्रेणी की योग्यता है BSc नर्सिंग। जन्म दिनांक है 15/7/1994। मासिक आय है 45,000। रेणुका चौधरी, हीरालाल चौधरी, मुसाखेड़ी इंदौर, श्रेणी की योग्यता BSc MBA। जन्म दिनांक 15/1/1991। मासिक आय है 20,000। आकाश पाल, रामेश्वर जी पाल, बाणगंगा इंदौर, श्रेणी की योग्यता 10। पानी भी क्या है अभी। जन्म दिनांक है 26/6/1999। मासिक आय है 18,000। बेटा घर वाले इसलिए मना कर रहा हूँ, नहीं तो तेरे इसलिए कैसे कर दूँ। गौरव पाल, बाबूलाल पाल, भागीरथपुरा, श्रेणी की योग्यता BCom। जन्म दिनांक है 18/11/1997। मासिक आय है 25,000। होटल मैनेजर है। सुनील पाल, मयूरेश प्रसाद पाल, अरिहंत नगर, श्रेणी की योग्यता BCom। जन्म दिनांक 29/7/1991। प्राइवेट जॉब करते हैं, 2,000 रुपये सैलरी। सीमा पाल, जयप्रकाश पाल, छोटा बांगड़ा इंदौर, जन्म दिनांक है 19/10/2001। मासिक आय है 15,000। हेलो, ये शायद पंजीयन जितने भी कराए हैं वो पेरेंट्स यहाँ आए हैं या बच्चे भी यहाँ आए हैं, लेकिन इतने बच्चों के नाम पुकारे जा रहे हैं, अभी तक एक भी बच्चा नहीं आ रहा है, क्या बात है? या तो पेरेंट्स शर्मिंदा हैं, तो पेरेंट्स शर्मिंदे होंगे तो निश्चित है कि बच्चे तो और ज़्यादा होंगे। जितनों के भी नाम पुकारे जा रहे हैं, पंजीयन करवाया है, यहाँ फॉर्म आए हैं, तो निश्चित है कि वहाँ पेरेंट्स और बच्चे आए हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप यहाँ तक आए हैं तो निश्चित ही स्टेज पर आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आश्रुति हरने, विमल कुमार हरने, श्रेणी योग्यता MBA BCom। जन्म दिनांक है 9/4/1991। उज्जैन के रहने वाले। वंदना पाल, श्री
देराज पाल इंदौर क्षणिक योग्यता 12th प्लस पार्लर ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है। जन्म दिनांक 25/5/1995। कृष्णा पाल पिता वानसिंह जी पाल इंदौर रहवासी शैक्षणिक योग्यता बीकॉम जन्म दिनांक 19/9/1998। इनकी गोदरेज कंपनी है, मासिक आय 15,000 रुपए। दुर्गेश पाल पिता स्वर्गीय जियालाल जी पाल इंदौर रहवासी शैक्षणिक योग्यता बीकॉम ग्रेजुएट जन्म दिनांक 17/2/1991। जॉब करते हैं ये प्राइवेट, इनकी मासिक आय 15,000। विनोद पाल पिता कंप्यूटर जन्म दिनांक 22/8/1984 प्राइवेट जॉब करते हैं ये बैंकिंग में, इनकी सैलरी 25,000। अरविंद पाल पिता गणेश जी पाल शैक्षणिक योग्यता बीएससी जन्म दिनांक 25/11/1995 शासकीय नौकरी है इनकी, मासिक आय 40,000। श्वेता पाल पिता हरि नारायण जी पाल कोदरिया महू के रहवासी हैं, शैक्षणिक योग्यता एमबीए फाइनेंस जन्म दिनांक 5/9/1995। कृष्णा पाल पिता काशीराम जी पाल इंदौर रहवासी शैक्षणिक योग्यता आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं ये, इनकी जन्म दिनांक 16/9/1998 है। शिवानी कुकलोरिया पिता शिवराम कुकलोरिया खरगोन रहवासी शैक्षणिक योग्यता बीकॉम कंप्यूटर जन्म दिनांक 17/8/1998। शालिनी पाल पिता अमृत सिंह जी पाल खरगोन रहवासी शैक्षणिक योग्यता आईटीआई जन्म दिनांक 16/5/1998। लवेश पाल पिता तारा चंद्र जी पाल खरगोन रहवासी जन्म दिनांक 28/6/2000। इनके कपड़ों का शोरूम है, मासिक आय 50,000। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी अगर जो युवती युवक यहां पर आए हैं कृपया अगर वो स्टेज पर आकर अपना इंट्रोडक्शन दें। कुणाल पाल पिता तारा चंद्र जी पाल खरगोन रहवासी जन्म दिनांक 12/3/2003। इनको इनका भी कपड़ों का शोरूम है, 50,000 पर मंथ इनकी इनकम है। शिवानी पुरा पिता संजय पुरा खरगोन रहवासी शैक्षणिक योग्यता बीएससी सीएस एमएससी मैथ्स बीएड रनिंग। रितु पाल पिता कमल पाल रहवासी बलवाड़ी शैक्षणिक योग्यता बीकॉम एसबीआई पीओ जन्म दिनांक 5/9/2002। ज्योति पाल पिता पवन पाल इंदौर रहवासी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट जन्म दिनांक 13/7/2000। यशुपुरा पिता संजय पुरा खरगोन रहवासी शैक्षणिक योग्यता बी मैकेनिकल इंजीनियर जन्म दिनांक 8/1/1997। जियो कंपनी में इनकी जॉब है, मासिक आय 18,000। सावन पाल पिता गोविंद पाल बड़वानी रहवासी शैक्षणिक योग्यता बीबीए स्कूल संचालक ड्राइवर डायरेक्टर। प्रिया पाल पिता गोविंद पाल बड़वानी रहवासी शैक्षणिक योग्यता बीकॉम एमबीए फाइनेंस रनिंग। रीना पाल पिता देवादीन जी पाल लसूड़िया रहवासी लसूड़िया शैक्षणिक योग्यता एमए जन्म दिनांक 9/7/1988 मासिक आय 10,000। मानसी पाल पिता सुरेश पाल धार रहवासी
ग्रेजुएट इनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। जन्म दिनांक 1/11/2022। साक्षी पाल, पिता महेश जी पाल, धार रहवासी, शैक्षणिक योग्यता BBA कंप्लीट, MBA रनिंग, जन्म दिनांक 24/3/1999। पायल पाल, पिता महेश जी पाल, धार रहवासी, शैक्षणिक योग्यता GNM नर्सिंग DCA, जन्म दिनांक 6/7/1995। प्राइवेट जॉब है इनकी। कीर्ति पाल, पिता नरेश पाल, खंडवा रहवासी, शैक्षणिक योग्यता DEd BEd MA इन इंग्लिश, जन्म दिनांक 26/8/1996। शिवानी पाल, पिता शरद पाल, नेहरू नगर इंदौर रहवासी, BCOM इंटीरियर डिजाइनर, 15/6/1998 इनकी जन्म दिनांक है। मित्तल ग्रुप से इनका वर्क चलता है। इनकी मासिक आय 18,000 है। निधि पाल, पिता नंद किशोर जी पाल, खंडवा रहवासी, शैक्षणिक योग्यता BE इलेक्ट्रॉनिक्स PGDCA, जन्म दिनांक 10/12/1996। सुधीर पाल, पिता राम आधार जी पाल, रतलाम रहवासी, शैक्षणिक योग्यता 12वीं, जन्म दिनांक 7/7/1988। भाई पांच पांच यशवंत पाल, पिता रामार्दन पाल, तू भाई लेट हो रहा है। शैक्षणिक योग्यता BA ग्रेजुएट, प्राइवेट जॉब। चल ठीक है, बजा बजा। अब उसका सरस्वती पाल, पिता राम आधार जी पाल, रतलाम रहवासी, जन्म दिनांक 24/4/1994। प्रतिभा पाल, पिता यशपाल जी पाल, इंदौर रहवासी, शैक्षणिक योग्यता MSc केमिस्ट्री। पता नहीं। हेलो, अभी तक इतना बोलने के बाद फिर भी कोई बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? सब शायद आपस में हुई की हुई मिल करके अपना संबंध निश्चित कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पर संबंध कर लेते हैं तो आप आइए और सामूहिक विवाह में जरूर शामिल हुई है ना। सामूहिक विवाह यदि अपने पाल परिवार का अच्छे से होगा इस सम्मेलन के माध्यम से तो ज़्यादा ही खुशी होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब चढ़ती है दीवारों पर, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए मेरा हाथ जोड़ से आपका सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ आइए और अपना परिचय दीजिए। लहरों लहर में आकर के भी आप पीछे जाएंगे तो आपका क्या होगा ये आप खुद जानेंगे। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं निशा पाल, मेरे पापा श्री पाल जी पाल और मम्मी खनन निर्मला जी पाल, मैं BEd BA+ BEd कर रही हूँ। नमस्ते ऑल ऑफ यू, मेरा नाम दिलीप पाल है। मेरे पिताजी का नाम श्री पाल जी पाल है। मैं अंजी नगर पानेंगा में रहता हूं और मैं भोपाल एम्स में अभी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूं और मेरी उम्र 28 साल है।
खाना खाने गई है तो सुमित और भाया कहाँ रहेंगे? आ रहे हैं। उन्हें आके पूछ तो। अरे आ रहे, शांति रखा कर, तू भी जा सा। यहाँ पर जितने भी युवक युवती उपस्थित हैं, कृपया अगर वो स्टेज पर आकर अपना इंट्रोडक्शन दे, अगर वो नहीं आए हैं, उनकी फैमिली में से कोई है तो वो भी आकर बोल सकते हैं। पूनम पाल, पिता जवाहरलाल जी पाल, इंदौर रहवासी, शैक्षणिक योग्यता 12वीं, जन्म दिनांक 4/11/1996। अनीता पाल, पिता स्वर्गीय राज नारायण जी पाल, इंदौर बाणगंगा रहवासी, जन्म दिनांक 6/7/1991, प्राइवेट जॉब है इनकी, मासिक आय 21,000। अंकित यादव, पिता अर्जुन यादव, जबलपुर रहवासी, शैक्षणिक योग्यता सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जन्म दिनांक 17/7/1992, TCS पुणे महाराष्ट्र में इनका जॉब है। कंचन यादव, पिता कृष्ण कुमार यादव, जबलपुर रहवासी, बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस CS, ये ऑफिसर हैं जबलपुर में। महू रहवासी, जन्म दिनांक 6/7/1993, शैक्षणिक योग्यता BE इन कंप्यूटर साइंस। अनु दीपा रानी पाल, देवास रहवासी, शैक्षणिक योग्यता BSc मेंस, DA BA, जन्म दिनांक 30/9/1999, युवराज जी पाल, खरगोन रहवासी, शैक्षणिक योग्यता 12वीं, जन्म दिनांक 10/6/1998, ज्योति यादव, राव रहवासी, शैक्षणिक योग्यता DCA MBA, जन्म दिनांक 20/1/1992, रितेश यादव, रव रहवासी, शैक्षणिक योग्यता BCOM, जन्म दिनांक 18/10/1993, कपिल यादव, पिता राधेश्याम जी यादव, इंदौर रहवासी, शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, शुभम पाल, पिता गोविंद जी पाल, इंदौर रहवासी, शैक्षणिक योग्यता BCOM, जन्म दिनांक 4/5/1995, प्राइवेट नौकरी करते हैं, इनकी सैलरी 12,000। नमस्कार, मेरा नाम है मधुलिका पाल, माय फादर्स नेम इज ओम प्रकाश पाल, माय मदर्स नेम इज कलावती पाल, माय डेट ऑफ बर्थ इज 24/11/1990, आई एम जस्ट ग्रेजुएटिंग एंड आई एम ग्रेजुएट एंड आई एम जस्ट वर्किंग इन द कंपनी, इन आईडी कंपनी, आई हैव अ 10 लाख पैकेज, थैंक यू वेरी मच। भोला राम जी पाल, पिता बाबूलाल जी पाल, खरगोन रहवासी, शैक्षणिक योग्यता 10वीं, जन्म दिनांक 25 2
1985। हेलो, मेरा नाम यशवंत पाल है, मेरे पिताजी के नाम राम आधार पाल है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, बीए एजुकेशन है मेरा। और पता है फायदा ये होता है कि जो भी युवती अपना परिचय देती है तो उसको समाज जन देखते हैं, हो सकता है कि उनके परिचय देने से वह किसी के परिवार के लिए पसंद हो जाए, या युवक अपना परिचय दे तो वह किसी की परिवार के दामाद हो जाए। मेरा सभी पंजीयन करवाने वाले युवक युवतियों से आग्रह है कि कृपया मंच पे आए और स्वयं अपना परिचय दें, जिससे कि आपका जिस उद्देश्य से यह आयोजन यहाँ पर किया गया है उसका फायदा समाज के हर व्यक्ति को मिले, हर समाज जन को मिले। अब मैं जो फॉर्म यहाँ पर पंजीकृत हुए हैं उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। भावना कुलकोरिया, इनके पिताजी का नाम नारायण जी कुलकोरिया है और यह खरगोन की रहने वाली हैं। इनका पूरा पता पहाड़ सिंहपुरा गडरिया मंदिर के सामने है और यह इंग्लिश में एमपी लेक्चरर पीजी डीसीए टेक्नोलॉजी है। इनका रंग गोरा है, मांगलिक है और इनकी बर्थ ऑफ डेट 8/7/1997 है। जो भी इनके बारे में अगर संपर्क करना चाहता है तो कृपया आप इनसे संपर्क करें। और हमारे महेश पाल मंजू भैया द्वारा जो कि भोजन व्यवस्था देख रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि जिन समाज जनों ने अभी भोजन नहीं किया है वे कृपया भोजनशाला में जाकर पहले भोजन प्राप्त कर ले, पुनः इस पंडाल में आकर इस आयोजन में शामिल होवे और आप भोजन उतना ही लेवे जितना आप ग्रहण कर सके, कृपया कोई भी भोजन झूठा ना छोड़े। हमारे हरदा से पधारे जनपद सदस्य श्री प्रभुदयाल धनगर जी जो हरदा से पधारे हैं और मन्नूलाल जी धनगर और कमलेश जी धनगर जो कि उप सरपंच है हरदा से, इनका सदैव समाज को रहते ही हरदा में है लेकिन इंदौर पाल समाज के लिए सदैव पत्रकारिता के माध्यम से या अन्य माध्यम से समाज को बराबर सहयोग देते रहते हैं। इनके साथ हमारे राम भरोसे धनगर जी फर्नीचर वाले भी कृपया वे मंच पे आए और मैं हमारे न्यास के महेश पाल और हरि बाबा पाल और दीपक जी पाल से आग्रह करूंगा कि वे इनका स्वागत करें। महेश पाल जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे प्रभुदयाल धनगर जी जनपद सदस्य उनका सम्मान करें। मैं दीपक पाल जी से आग्रह करूंगा वे राम भरोसे धनगर जी का स्वागत करें। हरि बाबा पाल से आग्रह करूंगा वे मन्नूलाल धनगर जी का स्वागत करें। कमलेश धनगर जी का स्वागत सुनील पाल करेंगे।
बच्चे के लिए योग्य वधु की तलाश में मेरे बच्चे का बायोडाटा इस प्रकार है, शैक्षणिक योग्यता LLB रनिंग, BCom, PGDCA, जन्म तिथि 9/7/1998, समय 2:15 AM, स्थान धार, रंग यहुआ, कद 5 फुट 11 इंच, स्टाम्प विक्रेता है और न्यायालय में वकील का काम कार्यरत है। इधर देखना भी सब जन, यस रेडी। संपर्क करना चाहता है इनके परिवार से संपर्क कर सकता है। अगले पंजीयक प्रतीक पाल, पिता लाखन सिंह जी पाल, गुरुद्वारा खिलजी कॉलोनी भीकन गांव खरगोन के निवासी हैं और बी सिविल में इंजीनियर है। इनका जन्म 1/12/1990 है। भीकन गांव में इनका जन्म हुआ है। इनका रंग गोरा है और यह मांगलिक नहीं है। प्राइवेट जॉब करते हैं और इनकी मासिक आय 6 लाख रुपए प्रति माह है और परिवार की आय 18 लाख रुपए प्रति माह है। जो भी संपर्क करना चाहता है आप इनके परिवार से संपर्क कर सकते हैं। सचिन पाल, पिता महेश पाल, मोतीपुरा माता मंदिर खरगोन के निवासी हैं और इनकी शिक्षा 10वीं पास है। 5 फीट 1 इंच इनकी हाइट है। कलर इनका गोरा है और गोत्र बानिया है। 18,000 प्रति माह इनकी आय है। जो भी संपर्क करना चाहता है इनके परिवार से संपर्क करें। अगले प्रत्याशी के रूप में दीपक कुमार धनगर, प्रेम सिंह धनगर चापड़ा देवास से आए हैं। हार्ट पिपलिया देवास से यह 12वीं पास, बीए रनिंग है। 6 जुलाई 1999 इनका जन्म है और कृषि का कार्य है। 12,000 रुपये प्रतिमा इनकी आय है। जो भी संपर्क करना चाहता है इनके परिवार से संपर्क करें। यहाँ उपस्थित सभी समाज जन से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जिन परिवार का यहाँ पर पंजीयन होने के पश्चात आपस में विवाह के संदर्भ में चर्चा होती है तो आप लोग यदि